नमस्कार दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक चौहान और आप देख रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप अपडेट्स। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि भाई पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आज आपको बता दूं कि ये आज की लास्ट वीडियो, कल से फिर वही 3 घंटे बाद जो है वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो भाई पहली बात तो आती है ये कि चल क्या रहा है सब चीज़ों की, मतलब जितने भी कोर्सेज हैं सभी की जो है वो आना शुरू हो गई है। बाकी आप मेरी पिछली वीडियो पे जाके देखिए, उसके कमेंट्स देखिए आप, तो सब ने लगभग कमेंट कर रखे हैं। तो इसमें हुआ क्या है कि आज स्कॉलरशिप क्यों आई है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आज एक वर्किंग डेज तो कह ही सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि सरकार स्कॉलरशिप सभी को दे रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं कि कब आएगी, और उसका तो ज़्यादा कुछ इलाज है नहीं कि भाई कब आएगी। पर यह है कि जितनी भी स्कॉलरशिप आ रही हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो आना शुरू हो गई है सभी की। और फर्स्ट ईयर की लगभग स्कॉलरशिप जो है वो चल रही है, क्योंकि परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो 60% से ऊपर के जितने बालक हैं उन सभी की स्कॉलरशिप जो है वो आ रही है। चलिए देख लेते हैं, कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, कमेंट में देखते हैं भाई क्या चल रहा है सारा का सारा। पहला कमेंट आता है गौरव का कि भाई जब आ रही तो मेरी भी आनी चाहिए, मेरी क्यों नहीं आ रही है। तो भाई आप अपने बारे में कुछ बताइए। ये बोलते हैं मिस्टर लक्की, बोलते हैं कि हिमांशु सिवा बोलते हैं कि आ गई भाई आज 5:19 पे 84,000 SC BTech 3rd year अदर स्टेट 80% प्रीवियस ईयर मार्क्स 77,450 फीस। पता नहीं कैसे हो गया 84,000 रुपीज़, तो भाई आते नहीं, शायद इनके हॉस्टल के भी हों। और अगर बात करें तो अंकुर तिवारी कहते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर जर्नल बीटेक वालों की कब तक स्कॉलरशिप आएगी। तो देखिए ऐसा है कि जर्नल की बीटेक वालों की स्कॉलरशिप आ रही है, फर्स्ट ईयर वालों की भी आ रही है। मैं कुछ कमेंट जो है आपको बता देता हूँ। तो ये बोलते हैं, अजय यादव बोलते हैं भाई बीए फर्स्ट ईयर आ गई, बीए फर्स्ट ईयर वालों की भी स्कॉलरशिप जो है वो आ गई। विनीत कुमार बोलते हैं सर मैं SC से हूँ, मेरा वेरीफाई तक नहीं हुआ DWO से। तो आपको जाना चाहिए, या तो अपने कॉलेज में आप बताइए कि सर मेरा वेरीफाई नहीं हुआ, या सिंपली आपको एक काम करना है कि जो भी समाज कल्याण का ऑफिस है उसमें जाइए, उसमें बोलिए कि सर मेरा ये वेरीफाई नहीं हुआ, आप इसको वेरीफाई जो है वो कर दीजिए। भाई मैंने अच्छा सर मेरा स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया, शुभम चौरसिया कह रहे हैं, और कब तक आ जाएगा प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा, मैं OBC कैटेगरी से हूँ। तो भाई अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आना शुरू होगी, 1-2 दिन में आपकी स्कॉलरशिप 31 तक आ जाएगी। इंजीनियर टेक्निकल गुरु बोलते हैं सर मेरी स्कॉलरशिप हाफ आई है, 8600 आई है दूसरे अकाउंट में। तो दूसरे अकाउंट में भाई बहुत बढ़िया बात है इंजीनियर टेक्निकल गुरु, अगर आपकी स्कॉलरशिप आई है, हाफ आई है, तो वेट करिए, अगर दूसरा चरण होगा तो उसमें भी आपको जो स्कॉलरशिप है वो आ जाएगी। और तो ये बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज वाले बच्चों की कब तक आएगी, तो मेडिकल कॉलेज वालों के बच्चों की भी सबकी चल रही है, आराम से सभी की स्कॉलरशिप जो है वो वितरण की जा रही है। जैसे आज ITI की अगर बात करें तो ITI की भी स्कॉलरशिप आई है, पॉलिटेक्निक की बात करें उसकी भी आई है। चलिए एक कमेंट आया अर्पित यादव का, ये बोलते हैं भाई मेरी भी आ गई है पॉलिटेक्निक लास्ट ईयर OBC, थैंक्स भाई, थैंक यू। तो भाई जो है इन भाई ने भी बता दिया कि इनकी स्कॉलरशिप आ गई है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ITI वालों की या इन सब की स्कॉलरशिप जो है वो आ रही है। और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ, क्या प्रॉब्लम हुई होगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो या तो जब आपका करेक्शन वाली डेट आई हो, उस टाइम पे जो करेक्शन आती है ना, वो उसके ओरिजिनल पेपर आपको जमा करने पड़ते हैं अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट में। जैसे आपकी करेक्शन आई, आपने उसको करेक्ट कर दिया, उसके बाद उसका जो फाइनल प्रिंट निकलता है वो, और अगर 10वीं के मार्क्स में तो 10वीं की मार्कशीट, और अगर 12वीं के में है तो 12वीं की मार्कशीट, एनरोलमेंट नंबर गलत है तो 3rd year, मतलब जैसे मैं फाइनल ईयर का हूँ तो 3rd year की मार्कशीट वगैरह वो सारी जमा हो गए, उसके दो एक PDF बनती है और दो उसके सेट बनते हैं, में जमा होते हैं, तब जाके वो वेरीफाई दोबारा होता है। अगर किसी ने ऐसा प्रोसेस नहीं किया तो शायद उनकी स्कॉलरशिप रुक सकती है, बस जिसने कर दिया उसकी स्कॉलरशिप जो है उसके अकाउंट में आ जाएगी। और चलो और को कमेंट जो है वो पढ़ लेते हैं, और प्रॉब्लम जो भी है ना जिसकी भी, वो भाई बता दो कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको जो भी सही सलाह होगी वो मैं देने के लिए तैयार हूँ।
तो ये बोल रहे हैं, यूपीएससी लवर बोल रहे हैं, मेरे बीएससी एजी फर्स्ट ईयर में 30% स्कॉलरशिप आई है, पूरी कब तक आएगी? देखिए अगर 30% आ गई है तो उम्मीद रखिए कि पूरी भी स्कॉलरशिप आपकी आएगी। अब आपको वेट करना होगा 15 अप्रैल तक, क्योंकि अगर कुछ भी लग गया आपका, कुछ भी अकाउंट में आपके पैसे चढ़ गए, तो 15 अप्रैल तक ही जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो आपकी लगेगी। ठीक है जी, अब बात आती है रॉयल किंगडम स्टूडियो, बोलते हैं कि भाई जर्नल की भी आ रही है, मेरी आ गई, मेरे दोस्त की आ गई, मेरी बहन की आ गई, पूरी स्कॉलरशिप आई है। भाई इन्होंने ऐसा कमेंट करा है कि इनकी पूरी स्कॉलरशिप जो है वो आ गई होगी। देखिए भाई, तो बहुत बढ़िया भाई, तो मेरी आज आ गई है 600, बीएससी फाइनल ईयर की भी आ चुकी है, फर्स्ट ईयर की भी बहुत 100 लड़कों की जो स्कॉलरशिप है वो आ रही है। आपको घबराने वाली तो कोई बात है ही नहीं, बाकी मैं बैठा हूँ यहाँ, कमेंट करिए बस, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी हिम्मत मिले, क्योंकि इस टाइम तक आने आने में भाई आप मेरी हालत देख रहे होंगे, हालत जो है ख़राब हो जाती है। इतना रिकॉर्ड करना, फिर शूट करना, मतलब पहले रिकॉर्ड करना, एडिट करना, ये सब, फिर अपने भी काम है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।